लोग मौत से डरते हैं लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि वो कभी नहीं मरते हैं लोग मौत से डरते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं वो तो कभी नहीं मरते हैं मरता तो ये तन है जो हम नहीं है मरता तो ये तन है जो हम नहीं है हम तो अमर है हम आत्मा है तो मैंने लोगों से कहा है मौत की सच्चाई क्या है हम कभी ना मरते हैं हम तो इस शरीर से मुक्त होते हैं जब ये तन मरता है हम तो अमर आत्मा है आत्मा कभी ना मरती है एहसास जब होता है हम तन मन ना, संसार से मुक्त होते हैं मौत की सच्चाई क्या है हम ये नहीं समझते कि मौत क्या है देखिए एक आदमी था वो तो मेरे पास आया और कहा मुझे मेरे ना मुझे कैंसर है आ, मैं बहुत दुखी हूं मुझे मैं मरने वाला हूँ तो मैंने उनसे कहा मैं भी मरने वाला हूं तो उसने बोला तुम्हें क्या हुआ मैं बड़ा खुश नहीं हुआ लेकिन मैं भी मरने वाला हूँ तुम भी मरने वाले हो और मैं भी मरने वाला हूं फर्क यह है कि तुम पांच साल के बाद मर सकते हो मैं एक दिन के बाद मर सकता हूं हर एक को जाना है लेकिन जिसको यह एहसास होता है कि मैं आत्मा हूं मैं अमर हूं वो क्यों डरेगा और हम लोग से यह भी कहते हैं डोंट मेक डेथ मोमेंट ऑफ डेस्परेशन मेक इट अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन क्यों क्यों क्योंकि एक भजन में मैंने लिखा है कि जब मैं मरूंगा तुम जश्न मनाना जश्न मनाओ क्योंकि जब मैं मरता हूं ये तन मरेगा मैं तो प्रभु से एक हो जाऊंगा तो तुम लोग जश्न मनाओ नॉट बिकॉज डेथ इज अ रियलिटी अगर हम मौत से डरते हैं हम दुखी होते हैं हम अविद्या में जीते हैं फिर हम ये सोचते हैं ये जो आत्मा है तेरह दिन के लिए घूमेगी कोई पूजा करने से फिर आत्मा We believe in the lie that God lives in the sky. हम बहुत चीजों में मानते हैं यकीन करते हैं जो झूठ है सरासर झूठ है हम नहीं समझते कि आत्मा एक शक्ति है आत्मा परमात्मा है और मौत पे आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है अगर हम कथो उपनिषद में लिखा है दो ही चीज होते हैं एट डेथ इधर देर इज रियलाइजेशन और देर इज री तो कथो उपनिषद में क्या कहता है जिसको अनुभूति नहीं होती है कि मैं आत्मा हूं उसका पुनर्जन्म होता है और जिसको अनुभूति होती है मैं आत्मा हूं उसको मुक्ति हो जाती है मुक्ति मिल जाती है तो ओनली पॉइंट पीपल शुड डू कि लोग अच्छे कर्म करें जो इंसान बुरा कर्म करता है उसको वो डरता है वो क्यों डरता है कि इसका हिसाब की कर्म एज अ कार्मिक डेट उसका कर्मों का हिसाब बुरा है तो वो डरता है कि मुझे क्या होगा मौत के बाद बट जो जो आध्यात्मिक रास्ते पे है जो समझता है मैं आत्मा हूं वो तो हंसता है वो कोई मौत होती है तो डेथ इज द डोरवे टू हेवन मौत एक दरवाजा है जिस दरवाजों को खोलने के बाद हम प्रभु से मिलते हैं तो हमें खुशी होनी चाहिए